the Commons tomorrow. आज प्रदीप जी और मैं मुंबई के अंधेरी पूर्व इलाके में हम लोग गए थे, अंधेरी ईस्ट में, शेरे पंजाब में, 60 एकड़ में बसी हुई कॉलोनी है प्रदीप जी, वहां 329 बिल्डिंग्स 369 और 329 और वहां पर मतलब इट्स अ गोल्ड माइन, मतलब इट इज ऑफिशियली 1 crore पर एकर, एक्चुअली इट इज आई थिंक 2.5 crores और ऐसा कुछ है, बेचने की कोशिश की जा रही है, कुछ बिल्डिंग्स को रीडेवलप करने की कोशिश की जा रही है, और ये केस है कोई 22 बिल्डिंग्स का, और ये कहा जा रहा है कि वहां के जो सेक्रेटरी साहब हैं वही बिल्डर हैं, कंपनी उन्हीं की है, वही बिल्डर हैं, वो किसी को अंदर नहीं आने देना चाहते और नहीं आने दे रहे, और वो ये कहते हैं कि हमसे अगर एनओसी चाहिए तो आपको हमारी ही कंपनी के द्वारा काम करना पड़ेगा, ऐसा आरोप है। जब आप आज जब हम लोगों की बात हुई फोन पे सेक्रेटरी साहब के साथ, तो उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे तो मालूम नहीं आप क्या बात कर रहे हैं, लेट्स टेक अ लुक बट दिस इज सर द पीपल कैन गेट अराउंड 1100 कार्पेट एरिया, व्हेयर दिस सेक्रेटरी कम बिल्डर सेज यू आर गोइंग टू गेट 800, यू आर टू गो एंड यू आर टू साइन दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट एग्रीमेंट सो दैट वी कैन डेवलप दिस। नाउ दिस इज Why the people are refusing, the people are out, they're fighting. They said, we are not agreeing to this. We'll not why allow. Why would anybody agree to it? Why will they take a lesser portion? 310 square feet less. Less. Why should they do it? Why? This kind of arbitrariness is going yes. on in many societies. This particular forum of yours is going to be a place where people from all over Mumbai, Maharashtra can come and put their society problems. Let us, as you say. Let's take a look. As far as we are concerned and nation now, remember this is your channel, this is your platform. आपकी समस्याओं का हल यहीं पर मिलेगा आपको, and we promise. ये शेरे पंजाब सोसाइटी के बारे में ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, आगे ना जाने और कितने आने वाले। Let's take a look. Right, we are over here. That is Advocate BRG and myself. Right over here and in the Shere Punjab Society in Andheri East in Mumbai. Advocate Pradeep Nambiar ji aur main yahan par hain Shere Punjab Society mein, Andheri East mein, aur aap log hain Nation Now ke saath, Nation Now hai hamesha aapke saath. Yahan par Shere Punjab Society mein takriban kitni building hai sir? 325 building hai. 325 building hai aur 600 acre hai. 69 acres. 69 acres. 69 acres. 69 acres. Prime land. 69 acres of prime land. Yes. How much is the land worth over here right now, sir? How much is it selling for? Around 50 crores per acre. 50 crores an acre. Isn't that lovely? Conservative estimate. Very modest estimate. Actually, it will be selling at around 115. Exactly. Depends on how you negotiate. Yes. So, Pradeep ji. Fantastic. I mean, so, whosoever is in charge of this society. Bilkul. जो भी यहाँ पे सोसाइटी में आता है, जो भी यहाँ पे मैनेजिंग कमेटी में आता है, उसकी तो चांदी चांदी है, कहने का मतलब ये हुआ। Yes, actually, there is a saying that public नाम बताएं पहले। कैमरे की तरफ देखें। What is your name, sir? I am Hemant Gupta. I am a resident of Shere Punjab Colony. जी। And I am self-employed. I want to raise some issues, broader issues, how the सर पहले ये बताएं जो अभी हमारी बात शुरू हुई थी हाँ जी कि जो भी मैनेजिंग कमेटी में आते हैं हाँ जी उनकी चांदी हो जाती है हाँ उसी पे मैं बोल रहा था देयर इज अ सेइंग पब्लिक मनी इज लाइक होली वाटर एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी कैन डिप इन इट टेक ए डिप इन इट तो इसी हिसाब से जो शेरे पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसमें इतना पैसा है इसमें इतनी वेल्थ है कि इसकी मैनेजिंग कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं चेयरमैन हैं वो उन्होंने एक ओपन लूट बना रखी है और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो बाई लॉज हैं जो सोसाइटीज़ के वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं ताकि एक पर्टिकुलर पैरामीटर के अंदर सोसाइटी चलनी चाहिए उन सब का ये लोग बिल्कुल भी पालन नहीं करते हैं इनको ये लगता है इनकी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और अक्सर ये दे आर द लैंडलॉर्ड्स एंड यू आर द टेनेंट्स Is that it? It is not like that, but they are behaving like landlords. They are behaving like landlords. By the way, that's what happens in every society. ये भी आपको बता दें आप सब लोग मुंबई में रहते हैं जो दिल्ली में रहते हैं जो हमें दिल्ली में देख रहे हैं कलकत्ता में देख रहे हैं बैंगलोर में देख रहे हैं बेटा कुणाल जी आपकी आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है हमारे लिए जरा
ध्यान से सर, जो भी मैनेजिंग कमेटी में आता है, मैनेजिंग कमेटी जो भी होती है, उसका चेयरमैन, सेक्रेटरी, मेंबर, ट्रेजरर, वो हमेशा अपने आप को लैंडलॉर्ड समझने लगता है। वो समझता है कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बड़ा हूँ, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर धांधली क्या हुई है ये बताएं। यहाँ पर देखिए धांधली जो है कई तरीके की धांधली है। सबसे पहले तो किसी भी सोसाइटी में एज पर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट, एक खर्चे की कुछ लिमिट होती है कि आप इतना खर्चा मैनेजिंग कमेटी कर सकती है विदाउट एनी अप्रूवल। अबव ए सर्टेन लिमिट मैनेजिंग कमेटी की अप्रूवल लेनी पड़ती है, और उससे ज़्यादा जो खर्चा होता है तो स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग या जिसको हम ईजीएम बोलते हैं उसमें परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद खर्चा कर सकते हैं। लेकिन शेर पंजाब सोसाइटी ऐसा कोई भी कायदा कानून फॉलो नहीं करती है, वो अपने हिसाब से जब मन में आए जितना खर्चा करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, पिछले 3 साल में इन्होंने प्रोफेशनल फीस के नाम से करीब 60 से 65 लाख रुपए खर्च करे हैं। आई एम श्योर इसका कोई भी अप्रूवल नहीं लिए गए है, और ये 60 लाख रुपए खर्च करने का देयर इज नो रैशनल, क्योंकि सोसाइटी का प्रोफेशनल फीस फॉर व्हाट? फॉर फाइटिंग ए केस अगेंस्ट वन लैंड ओनर। In that case, got a lot of cases actually. The whole society is, this is the reality that secretary of the society, Mr. Raju Varghese, wants to settle some personal score with that landowner. Yes. So that case was patently false. आपके जगतप जी आइए, आप लोग भी आइए, because आपका मुझे याद है इससे पहले लाइक चुनाव जो हुआ था उसमें भी हम लोग आए थे और आपके इस कमिटी को हम लोग मदद भी किए थे, यू नो, आपके जो दूसरे उल्लेख थे, वन लेडी वॉज देयर और आंदोलित होकर उस कमेटी को हटा दिया था। आप नए कमेटी आ गए और हम खुद कमेटी में आए। सर, वी वर इन दैट कमेटी, और लास्ट कमेटी, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसी कमेटी में ये धांधली हुई है। और ये सर, ये यू आर नॉट इन द कमेटी right now, you're not the committee. There's a new committee which has come in. इसमें देखिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, मैं अक्सर ये बोलता हूँ, जहाँ का राजा व्यापारी वहाँ की प्रजा भिखारी। अब जो राजू वर्गीस हैं वो खुद एक बिल्डर हैं। अब देयर इज अ ब्लेटेंट क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। वो शेर पंजाब सोसाइटी के, यस, शेर पंजाब सोसाइटी को सेक्रेटरी सिर्फ इसलिए बने हैं क्योंकि उनको शेर पंजाब सोसाइटी की एसेट्स को अपने पर्सनल यूज के लिए लेना है, मतलब रीडेवलपमेंट करनी है, बिल्डिंग बनानी है, रीडेवलपमेंट के लिए। उन्होंने आईआर डेवलपर के नाम से एक कंपनी फ्लोट करी है जिसमें इनका बेटा 50% पार्टनर है, और इसका रजिस्टर्ड एड्रेस जो मिस्टर राजू वर्गीस के घर का एड्रेस है। अब ये लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए उन्होंने एक फॉर्मल ऑफर दिया, 22 बिल्डिंग्स को डेवलप करने का उन्होंने ऑफर दिया है। ये ऐसा केस है कि चोर ही जो है एडवोकेट है, चोर ही जो राजू वर्गीस चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी सेक्रेटरी है, और सेक्रेटरी इज द चेयरमैन, चेयरमैन इज मिस्टर खन्ना। वेयर इज ही? He is also in Sher-e Punjab colony, but he is more of a rubber stamp. Okay. So this is a clear cut conflict of interest. Yes. On the basis of this, yes, Mr. Varghese can be asked to resign. No, but nobody is taking any action. And इसमें देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं। So how many members are there? मैनेजिंग कमेटी में 18 मेंबर्स हैं। और पूरे सोसाइटी में? पूरे सोसाइटी में 600 मेंबर्स हैं। 600 मेंबर्स हैं। हाँ जी। तो आपको एटलीस्ट 1/3 चाहिए होंगे अपने साथ, 200 लोग चाहिए होंगे। सब वोट करने के लिए नहीं आते हैं, एजीएम में नहीं आते हैं, ईजीएम में नहीं आते हैं, जिसका फायदा ये लोग उठाते हैं। उनको लगता है कि मुर्दों की कॉलोनी है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेने वाला, मैं अपने घर में खुश हूँ। तो दिस इज अ प्रॉब्लम इन एवरी सोसाइटी इन मुंबई एंड महाराष्ट्र। देव फडणवीस जी और पूरे ग्रुप अभी जो बीजेपी के हैं, यहाँ पर लगातार सब लोगों से मीटिंग ले रहे हैं, सोसाइटी फेडरेशन है, सोसाइटी, बिकॉज ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया। एक जो कन्वेंस नहीं है, आप बोलो कन्वेंस एक करप्शन का जरिया बन गया है, करप्शन का जरिया बन गया है, और ये जो आपके चेयरमैन, सेक्रेटरी और पूरे ग्रुप जो आ गए, एक काउंटिंग मशीन भी है क्या उधर आपके ऑफिस में जो आप वीडियो निकाल रहे थे? वो हाथ से काउंट कर रहे हैं। इसमें आप ये देखिए आईआर डेवलपर इन्होंने फर्म जो फ्लोट करी है, सेक्रेटरी बनने के बाद फ्लोट करी है, और ये आईआर डेवलपर सिर्फ शेर पंजाब कॉलोनी में रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लेते हैं आउटसाइड शेर पंजाब कॉलोनी। बट दिस इज अ क्लियर कट इलीगैलिटी, इट्स अ क्लियर कट वायलेशन ऑफ द नॉर्म्स। No secretary or chairman or any managing committee member can also be a developer in the same society. It cannot be done. Sir, आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज आइए। पहली बात तो इलेक्शन ही नहीं कम्पीट कर सकते थे हमारे जो अभी इलेक्शन ऑफिसर थे मिस्टर
पगारे, अशोक पगारे, अशोक पगारे, उनको डायरेक्टली उनको कैंसिल कर देना चाहिए था उनका नॉमिनेशन फॉर्म। वो क्यों क्यों सर बताएं? सर एज पर नॉर्म्स वो कर ही नहीं सकते हैं, जो बिल्डर है। दैट्स राइट, व्हिच इज ट्रू बाय द वे, बट ही डिडंट डू इट, ही डिडंट डू इट, व्हाई ही डिडंट डू इट वी डोंट नो। सर व्हाट इज योर नेम, कुड यू? सर मेरा नाम जगदीश सिंह सैनी है। जगदीश सिंह सैनी साहब, सो सैनी साहब, जैसा गुप्ता जी ने अभी बताया, बाकी सोसाइटी मेंबर्स जो हैं, जो जनरल बॉडी है आपकी, वो लोग सो रहे हैं क्या? सब सो रहे हैं सर, सब सो रहे हैं। और जब उठेंगे, जब उनको मार पड़ेगी। अभी हम लेते हैं ये जो बिल्डिंग्स है, मेरे यहाँ से देखेंगे जी, ये बिल्डिंग्स रीडेवलपमेंट के लिए जा रही है जी, यहाँ से सारी, ये सारी जा रही है, ये सारी, ये भी, ये तो अभी इसकी तो अलग स्टोरी है, बाद में बताएंगे आपको जी। हर बिल्डिंग की एक स्टोरी है। इनका कहना है कि इधर करीबन 600 बिल्डिंग है, 300 बिल्डिंग है, 300 बिल्डिंग है, हैविंग इट्स ओन हिस्ट्री। मेंबर्स को एनओसी लेने के लिए लीगल एडवाइस इनको लेनी पड़ रही है, किस चीज की लीगल एडवाइस हमें नहीं पता। मैम आप भी यहीं रहती हैं, आप ही रहते हो यहीं पे, अपना नाम बताएंगे मैम? सुरेखा अशोक जगता। और आप खुश हैं सेक्रेटरी साहब से? और इसमें मैं एक मुद्दे की बात और बताता हूँ, क्योंकि सेक्रेटरी खुद बिल्डर है, तो इसका फॉल आउट क्या है, यहाँ पे जो रेप्यूटेड आउटसाइड बिल्डर्स आते हैं उनको वो एनओसी देने के लिए मना कर देता है, रीडेवलपमेंट के लिए उनको किसी भी बहाने से भगा देता है कि यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं है, या ब्लेटेंटली बोल देता है मैं आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दूंगा। जब तक आउटसाइड बिल्डर को डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, वो रीडेवलपमेंट का प्रपोजल कैसे तैयार करेगा? आप बोल रहे थे ये हमारे बिल्डर है, बाहर जाके काम नहीं करता, यहाँ पर इतना काम इधर ही है, 22 बिल्डिंग आप ही के सोसाइटी में रिडेवलप कर रहे हैं, तो बाहर जाने की जरूरत क्या? बाहर जाने की जरूरत क्या? आर डेवलपर्स, आई आर डेवलपर्स और उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यही पर पूरे आपके करीब 300। प्रदीप जी कहने का मतलब ये हुआ कि बाकी मुंबई में जब मंदी चल रही थी, सोने की बरसात वर्गीस साहब के घर में हो रही थी, कहने का मतलब ये हुआ। ये सर, ये इसका द मेन थिंग इज, ये पुराने कमिटी को हटाने में हम लोग भी उसमें बहुत बड़ा सहभाग आपको किया था, आपको याद होगा कि हम लोग भी 2-3 प्रोग्राम यहाँ पर किए थे जब आए थे, और फिर आई थिंक ये वर्गीस भी आपके साथ ही था तभी। ये जो वर्गीस है, साथ होने के बाद ये काम होना चाहिए। सर आप बताएं, सर आप यहीं रहते हैं शेरे पंजाब? यहाँ यहीं रहता हूँ, मेरा नाम ओंकार सिंह है। ओंकार सिंह जी, आप वर्गीस साहब से बड़े खुश हैं? वर्गीस साहब के कहने से काम तो ठीक नहीं चल रहा है, जिस हिसाब से काम चलना चाहिए वो तो ऐसा कर रहे हैं कि जहाँ उनकी अपनी बिल्डिंग बनती है वहाँ के रोड बना देते हैं, अभी भी उनकी जहाँ बिल्डिंग प्रपोज है वहाँ के रोड बन रहे हैं, अभी वर्गीस साहब वहीं खड़े हैं और खड़े होकर अपने रोड बनवाते हैं, उस एरिया को सुंदर बना देते हैं ताकि उनकी बिल्डिंगें बिके। But he's not supposed to do that, right? He's a secretary. I mean, how can he do that? अभी खड़े हैं, अभी आप अगर वहाँ जाओगे तो खड़े वहीं पर काम करोगे। कितने दूर हैं? कितने दूर हैं? कितने दूर हैं? चलते। हमने आपको एक वीडियो, चलो हमने आपको एक वीडियो दिया है जिसमें सोसाइटी के ऑफिस में, जिसके सोसाइटी के ऑफिस में, लेट्स कंप्लीट हियर एंड देन वी गो। हमने आपको एक वीडियो दिया जिसमें सोसाइटी के ऑफिस में ब्राइब काउंट की जा रही है, और देखिए ब्राइब का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, लेकिन पूरे शेर पंजाब कॉलोनी में मालूम है कि यहाँ पर जो बिंद्रा डेवलपर्स हैं उन्होंने 1 करोड़ रुपए की कैश रिश्वत दी मिस्टर राजू वर्गीस की, और इसके हमारे इस ग्रुप में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये बिंद्रा बिल्डर से 1 करोड़ रुपया लेके राजू वर्गीस को दिया था, और आज तक राजू वर्गीस ने इस चीज को मना नहीं करा, वो सिर्फ बोलता है 1 करोड़ रुपए कोई रिश्वत देता है क्या? सर 1 करोड़ रुपए क्यों दिया गया था? फॉर डेवलपमेंट ऑफ 5 नंबर बिल्डिंग, क्यों? इसके कुछ एफएसआईज बाकी थी, उस हिसाब से उनको 1 करोड़ रुपए दिया गया था, क्योंकि बिंद्रा जी को बिल्डिंग बाकी डेवलप करने की थी। 7 साल हो गए, 7 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। ये नेक्स्ट, अभी इलेक्शन होके कितने साल हो गए अभी आपके? जो 2 महीने पहले, 7 साल बाद इलेक्शन, 2 महीने पहले इलेक्शन, 2 महीने पहले इलेक्शन हो गया, यही वर्गीस वाले टीम आ गए, और आप उस कमिटी में नहीं है, यू आर नॉट इन द पर्टिकुलर कमिटी। नाउ ये 22 बिल्डिंग्स का रिडेवलपमेंट हो रहा है, 22 बिल्डिंग का रिडेवलपमेंट राजू वर्गीस कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने प्रपोजल दे दिया, वी डू नॉट नो कितनों ने एक्सेप्ट उनका प्रपोजल कर लिया है, बिकॉज़ हाँ ऑलरेडी 6 बिल्डिंग डेवलप कर चुके हैं, और 3 या 4 बिल्डिंग ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, और इसमें आप ये देखिए ये जो खर्चा करते हैं उसमें सबको मालूम है 25-30% किकबैक लेते हैं, चाहे स्टोन वॉल ड्रेनेज बनाते हैं, चाहे सड़क का काम करते हैं, इवन बारिश के टाइम में जब गंदे नाले को साफ करते हैं तो कोई टेंडर नहीं मंगाते कि भाई ठीक है ये पूरा बारिश में आप। But isn't that supposed to be under the BMC? प्राइवेट सोसाइटी, इसे प्राइवेट सोसाइटी। तो मैं इसमें दूसरे बड़े मुद्दे पर आऊंगा, आज देखिए अगर आपको कचरा साफ करना है
लीगली आप एक टेंडर मंगाएंगे, जो बेस्ट ऑफ थ्री होगा भाई 3 लाख में 4 लाख में पूरा कचरा ले जाएगा, लेकिन ऐसी कोई प्रैक्टिस फॉलो नहीं है। वो थोड़ा सा कचरा उठाते हैं और लिख देते हैं आज 15 ट्रक गए, कल 25 ट्रक गए, ऐसे करके 5-6 लाख रुपए का बिल बना देते हैं जिसमें उसको कम से कम 50% का किकबैक मिलता है। जो तो ये जो इन्होंने कंपनी फ्लोट किया, इनका कंस्ट्रक्शन तो था ही नहीं इनके बिजनेस, yes, yes, तो yes, कोई बिल्डर होगा उनके पीछे, देयर इज सम बिल्डर हु इज गिविंग सहनी इज देयर, ही इज अ बिल्डर, तो मिक्की सहनी ही इज 50%, मिस्टर राजू वर्गीस का लड़का जो है 50% है जो है मिस्टर सहनी, यही पर रहते हैं शेर पंजाब, शेर पंजाब मिस्टर मिक्की सहनी जो है उनका ऑफिशियल नाम है इंद्रजीत सहनी, इंद्रजीत सहनी बिजनेस भी यही पर है, यस 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 जी भी यही पर है, यस यस, तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। और आप देखिए कन्वेंस के लिए जो ऑफिशियल चार्जेस हैं, इसके अलावा 25 रुपए स्क्वायर फीट कैश लेते हैं मिस्टर राजू वर्गीस, उसके बगैर वो कन्वेंस नहीं देते हैं। जरूर उन्होंने अपने खुद के ऑफिस में रखे होगी, पर्सनल ऑफिस में इतना काउंट करना है तो जरूरी है ही है। जैसे गुप्ता जी बोल रहे हैं कि यू नो स्टॉर्म वाटर ड्रेनिंग गार्बेज है, एक तो है कि बीएमसी के माध्यम से आप करें, मगर यहाँ पर लग रहा है खुद आप ही सोसाइटी सब जगह स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बना रहे हैं, लेकिन आप टेंडर मांगा के इसको लीगल फॉर्म दीजिए, कोई टेंडर नहीं कभी। आज आप देखिए एजीएम में 1 लाख रुपए का बिल बनाते हैं, जबकि समोसा चाय देते हैं 70-80 मेंबर आते हैं, मेरे ख्याल से 25-30 हजार रुपए से ऊपर का खर्चा नहीं है, 1 लाख रुपए का बिल बनता है, 1 लाख रुपए पर मंथ नहीं, एक सिर्फ एजीएम का जो एक एजीएम करते हैं जिसमें 70-80 मेंबर आते हैं, एकनाथ शिंदे जी उनसे भी ज्यादा बिल बना रहे हैं। इसमें ये देखिए जो सोसाइटी है ये ऑनररी पोस्ट होती है, इसमें जो चेयरमैन है मिस्टर देसाई रहे हैं, वो हर महीने फिक्स पैसा लेते रहे, कभी 15 हजार रुपए महीने का, कभी 20 हजार रुपए महीने का बिल बना के ही मस्ट बी मेकिंग ए फेक बिल के मैं वहां गया। आप मेरे को बताइए कोरोना टाइम में भी आप कहां जाते थे 15 हजार 20 हजार का बिल जो है, और आपका फिक्स बिल बनता था 15 हजार का, कन्विंस का 20 हजार का, कोई ऑड फिगर नहीं होती थी। लेकिन ये बताएं, ये आप सब लोग बताएं, मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं, क्योंकि आखिरकार ये सोसाइटी तो आपकी है। हाँ जी, आप ओनर्स हैं सोसाइटी के, ऑल द मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी आर एक्चुअली द ओनर्स ऑफ अ सोसाइटी। यस, अब जाकर के आपने अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की है। हाँ जी, और आपके साथ यहाँ पर कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग हैं। हाँ जी, तो सिर्फ 7 लोग आकर के यहाँ पे चिल्ला रहे हैं, बाकी सब लोग सो रहे हैं, तो क्या होने वाला है सर बताइए। वी आर डूइंग अवर ड्यूटी। मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ, ठीक है ग्रुप होना चाहिए, मीडिया के हिसाब से ग्रुप होना चाहिए, लेकिन मैं एक चीज बोलता हूँ, बुरा मत मानिएगा, मैं लोगों को भी बोलता हूँ, लायन रोम्स अलोन, पिग्स मूव अराउंड इन ड्रोव्स, यू आर द लायन, मैं अकेला जो है तैयार हूँ, लायन मूव्स इन अ प्राइड सर, राजू वर्गीस और पूरे जो ग्रुप है वो पैसे ले रहे हैं, बट हाउ, जितने 300 सोसाइटीज है आपके 300, तो उनका कन्वेंस किसी का शेरे पंजाब से हुआ नहीं है क्या, हाउ डू दिस कन्वेंस, कन्वेंस का जो घपला है, या बोलिए ना अरोरा जी बोलिए, ये पेरेंट सोसाइटी है, ये पेरेंट सोसाइटी शेरे पंजाब सोसाइटी, उनके नाम से ही कन्वेंस हुआ, उसके नाम से कन्वेंस हुआ। अब जो इंडिविजुअल प्लॉट्स ओनर है, इंडिविजुअल प्लॉट वो चाहते हैं कि हम शेरे पंजाब से अलग हो जाए, अलग हो जाए, तो अगर उनको कुछ डेवलपमेंट करनी है तो हर बार एनओसी लेने सोसाइटी के पास आते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम कन्वेंस करवा लो, लैंड टाइटल हमारे नाम से होता है, तो उस हिसाब से हम प्रपोजल रखा था कि जिसको कन्वेंस करना है वो आके शेरे पंजाब सोसाइटी से कन्वेंस करवा के ले ले। उसी मुद्दे में एक और मैं आता हूँ, एक यहाँ पे प्लॉट नंबर 220 है, 220 जो कन्वेंस हुआ था आज से मेरे ख्याल से 1971 के आसपास, ओके, ऑलरेडी कन्वेंस प्लॉट है, शेरे पंजाब सोसाइटी आज फिर उस प्लॉट को कन्वेंस करती है, कैसे कर, अच्छा कैसे सोसाइटी कोई चेंज नहीं हुआ, हाँ, 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 पीआर कार्ड पे जूनियर ओनर का नाम है, हालांकि पीआर कार्ड पे सोसाइटी का नाम नहीं है, रजिस्ट्रार ने भी कर दिया, या फिर रजिस्ट्रार को धोखे में रखा होगा, कार्ड निकाल लिया होगा, बाद में जरूर करके अंदर डाल दिया होगा, ये बहुत बड़ा इशू है सर, ये पूरे बिल्डिंग कोई एक आदमी के नाम पे कैसे जा सकता है, मींस मेरा कहना है सोसाइटी के नाम से जा सकता है, दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, व्हाट इज हैपनिंग हियर, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी ऑफेंस, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी डिस्प्यूट विद इन द सोसाइटी, यस, तो यू आर सेइंग राजू वर्गीस पे क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए, शुड टेक सुओ मोटो एक्शन, व्हाई कोर्ट, यू कैन गो टू द पुलिस स्टेशन एंड फाइल अ केस अगेंस्ट, बिकॉज़ वी आर नॉट द इंटरेस्टेड पार्टी, उस प्लॉट के कोई
पार्टी मेंबर अगर आएंगे तो होगा। वो कन्वेंस क्यों किया गया कि उस बिल्डिंग को ऑफर आई है डेवलपर की गई है सर, जो मिस्टर राजू वर्गीस है वो उस बिल्डिंग को डेवलप करेंगे तो इनको कन्वेंस। नाउ दिस इज प्रिवेलेंट, करीबन 300 से ज्यादा बिल्डिंग है आपका, कन्वेंस के प्रॉब्लम्स हो रहा है, कन्वेंस का ये पूरे रिकॉर्ड है आपके कौन सा बिल्डिंग, बिकॉज एज पर अ न्यू सोसाइटी बीइंग फॉर्मड यू हैव टू गो इनटू अ डीम कन्वेंस और कन्वेंस, जो भी आपको करना पड़े करना ही पड़ेगा, बिकॉज द न्यू रूल इज वेरी क्लियर, इवन द सीएम एंड डिप्टी सीएम इज कमिंग द क्लियर कि आपका सोसाइटी है आप फॉर्म करके आपको इंडिविजुअल सोसाइटी यू कैन कन्वे। तो आपका करना है कि इसी में भी वो पूरा घपलेबाजी कर रहे हैं। सर एज अ मेंबर मैंने 3 महीने पहले एक लेटर दिया था आपको, थोड़ी देर में दिखा दूंगा, मैं लेके नहीं घूम रहा हूँ, कि मैंने उनको कहा था कि आप मुझे लिस्ट ऑफ कन्वेंस डॉक्यूमेंट दीजिए, हमें भी पता चले सोसाइटी में कितने प्लॉट कन्वेंस हुए नहीं हुए। अभी तक हमारे लेटर का जवाब नहीं दिया गया, बोलते लीगल ओपिनियन लेके बताएंगे जी। बट व्हाई डू दे नीड अ लीगल ओपिनियन टू गिव इंफॉर्मेशन टू अ मेंबर? लिंगरिंग भी करना है केस को लिंगर करना। इज इट पार्ट ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है क्या? आई थिंक सो। सो दैट वी लूज आवर पेशेंस एंड क्लोज द चैप्टर। यू शुड नॉट। नो आई विल नॉट। यू शुड नॉट। आई विल ट्रैवल द डिस्टेंस। तो आपने और भी बहुत सारे एलिगेशंस लगा दिए उन पे और भी एलिगेशंस है कि एक छोटा एलिगेशन था, बीच में बात कट गई थी। जैसे 22 बिल्डिंग को डेवलप कर रहे हैं, 880 स्क्वायर फीट आईआर डेवलपर दे रहा है, 1100 स्क्वायर फीट अदर बिल्डर दे रहा है जो नामचीन बिल्डर है, वो बिल्डिंग डेवलप नहीं कर पा रहा, बताइए। अच्छा, वो कौन सा नामचीन बिल्डर है? मिशन निको करके उन्होंने दिया है, निको ग्रुप ऑफ कंपनी। सर चिराग शाह इज देयर, ही इज अ रिनाउंड बिल्डर इन अंधेरी ईस्टर्न अंधेरी वेस्ट एरिया, ही हैज अ प्रीटी रीजनेबल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरिंग इन टाइम, गिविंग बेटर क्वालिटी विदाउट चीटिंग एनी ऑफ द कस्टमर्स। तो ही हैज ऑफर्ड 1100 स्क्वायर फीट वर्सेस 880 स्क्वायर फीट, 25% मोर। हियर प्रिवेलिंग रेट इज 25,000 रुपीज कंजर्वेटिव, पीपल ऑफ बिल्डर ऑफर 30, बट एट 25 यू कैन बुक। सो 220 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाइड बाई 25,000, इट कम्स टू नियरली 50 लाख रुपीज। दीज रेजिडेंट्स आर बीइंग, ही इज ट्राइंग टू डिप्राइव देम ऑफ दिस। हाउ कैन, व्हिच इज टेरिबल, व्हिच इज एब्सोल्युटली टेरिबल। सोसाइटी एक तरफ, राजू वर्गीस एक तरफ, एंड राजू वर्गीस इज कॉलिंग द शॉट्स। यस, राजू वर्गीस बोल रहा है, देयर फॉल्ट, दे इलेक्टेड हिम। राजू वर्गीस कहता है कि 800 स्क्वायर फीट ले लो, बिल्डर सामने से बोल रहा है 1100 स्क्वायर फीट में देने को तैयार हूँ, और लोग चुप हैं। लेकिन ये होने नहीं दे रहे ना, उनको एनओसी नहीं मिल रहा है। लेकिन आप ये बताएं, अब जिन लोगों ने उनको इलेक्ट किया था, जो उनके सपोर्ट में थे, उनका समर्थन कर रहे थे, अब वो लोग क्या कहते हैं? सर कुछ नहीं कह रहे, उनको मारनी पड़ी अभी, जब वो खुद एनओसी के लिए जाएंगे, कुछ अच्छा बेनिफिट के लिए जाएंगे, तब उनको पता चलेगा। आज तो उनके चलो इलेक्ट किया है, उनको कैसे इलेक्ट किया है, बोगस वोटिंग करके किया है। बोगस वोटिंग, राइट, लवली, लेट्स वॉक। और क्या क्या स्कैम बोल रहे थे आपने, बड़ा लिस्ट, लंबा लिस्ट, बोगस वोटिंग इन अ सोसाइटी। जाते हैं जाते हैं, बिल्कुल दे रहा हूं। इसमें देखिए, मैं आपको क्लेरिफाई करता हूँ, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में ये कानून है कि जिसका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में होता है वही वोट कर सकता है, और कोई वोट नहीं कर सकता है। तो इन्होंने क्या करा है, हमने कोऑपरेटिव कोर्ट में प्रूफ दिए हैं, करीब 50 से 60 बंदे ऐसे हैं जिनका या तो इन्होंने फेक आधार कार्ड बनाया या जेन्युइन आधार कार्ड पे इंडिविजुअल्स के नाम से वहाँ पे ठप्पा लगा दिया, लेकिन जिन्होंने वोट दिया है उनका फाइनल वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। ये इन्होंने फायदा उठाया, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी या कोई बंदा मर गया है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई भी कंस्ट्रक्शन फर्म अगर किसी को अथॉरिटी देती है उनके बिहाफ पे वोट देने के लिए, तो उस आदमी का नाम पहले फाइनल वोटर लिस्ट में आना चाहिए। ये बताएं सर कि क्या इसमें इज ओनली मिस्टर वर्गीस रिस्पांसिबल और आर अदर पीपल आल्सो रिस्पांसिबल? द ओनली पर्सन, बट अदर्स आर गिल्टी ऑफ कोल्यूडिंग विद हिम, परमिटिंग हिम टू कमिट सिंस आफ्टर सिंस। It is not that they are supposed to be a trustee of the assets of the society. Radeep ji, this is a case for the crime branch. This is a huge case, sir. You're talking about 69 acres of land and 325 buildings. Nothing going as per order, as per all the committee, as per all the laws. All the laws. They are talking that conveyance ho raha hai, paisa kha ja raha hai, redevelopment, personal interest leke, society ke secretary, jis prakar se kar raha hai, absolute blatant. 800 square feet
या सोसाइटी के जो बिल्डर है अप्रूव्ड राजू वर्गीस के लोग बोल रहे बिल्डर कहते कि 800 दूंगा, बाहर के बिल्डर उनको बोल रहे कि 1100 दूंगा और ये देख रहे हैं नॉट अलाउइंग द नॉट अलाउइंग द बिल्डर टू कम इन टोटली अपने कब्जे में लेके उस बिल्डर को दे रहे जो 800 यानी पर सोसाइटी मेंबर 300 स्क्वायर फीट का फायदा राजू वर्गीस और पूरे ग्रुप को है और इसका विरोध कर रहे हैं आप टोटल इसका विरोध कर रहे हैं यस डेफिनेटली इसका तो विरोध करेंगे ही अगर हमारा फायदा हो रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है 300 स्क्वायर फीट आपको नुकसान हो रहा है 300 स्क्वायर फीट आपको नुकसान हो रहा है और राजू वर्गीस एनओसी उस बिल्डर को नहीं दे रहा एनओसी बिल्डर हम लोग खुद मांग रहे कि हम लोग को सोसाइटी इंडिविजुअल बिल्डिंग बनानी है हमको सोसाइटी के लिए एनओसी दे दो सब मेंबर्स ने साइन करके दिया बोलते हैं नहीं ये हो नहीं सकता सोसाइटी के अंदर सोसाइटी नहीं मेला इसके पहले इसके पहले आपने 2-3 सोसाइटीज को दिया तो वो कैसे दिया वो भी तो एक पार्ट थी सभी वोटर्स यहाँ के ही रजिस्टर्ड वोटर्स थे सब कुछ लेकिन प्रदीप जी इफ अ प्रेसिडेंट हैज ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड दैट सम सोसाइटीज हैव गॉट एनओसी सम बिल्डिंग्स हैव गॉट एनओसी देन यू कैन नॉट प्रिवेंट एनओसी टू एनीबॉडी एल्स यू हैव टू गिव इट Exactly, but the entire laid down procedure of the government that you can't have a process 79A का आपको करना ही पड़ेगा रजिस्ट्रार को लाना पड़ेगा बिल्डर्स के टेंडर्स यू नो अपॉइंट अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट ये पूरे प्रोसेस है उस चीज को वॉयलेट करके ये डायरेक्टली बिल्डर अपॉइंट कर रहे हैं और रजिस्ट्रार हमारे जो रजिस्ट्रार है ही इज द बिल्डर और हां रजिस्ट्रार एंड ही हिमसेल्फ इज द बिल्डर रजिस्ट्रार वगैरह कुछ नहीं कर रहे आप 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 शिकायत लेके गए थे रजिस्ट्रार के पास हां बोलिए रजिस्ट्रार के पास मैंने कंप्लेंट की हुई है हर रजिस्ट्रार के पास हर वक्त जाता हूं मैं सिर्फ हियरिंग होती है वहां पे कोई बातचीत नहीं चालू करीबन कम से कम अभी हो गया 7-8 महीना डेट के ऊपर डेट दे रहे सिर्फ रोजनामा के रजिस्ट्रार यानी डिप्टी रजिस्ट्रार डीडीआर के पास गए वडाला पहले संजय राउत जी थे अब संजय संभाजी निकम जी तो उसी उन लोग डेट के ऊपर डेट दे रहे आगे कोई बात नहीं करते क्योंकि सामने वाला आता नहीं है तो वही प्रॉब्लम हो रही है 79A प्रोसेस प्रोसेस होता है वो प्रोसेस को फुलफिल नहीं करेंगे तो दे डोंट रिकॉग्नाइज द डेवलपमेंट वो कर ही नहीं सकता रीडेवलपमेंट वो सोसाइटी नहीं कर सकता बिल्डर नहीं कर सकता बिकॉज दिस इज ऑथोराइज बाय द गवर्नमेंट सरकार का कानून है सरकार का कानून आपका कहना राजू वर्गीस कोई कानून को नहीं मानता यहाँ छोटी छोटी बिल्डिंग्स हैं वो क्या करते हैं हर मेंबर्स के पास जाके उनका कंसेंट ले लेते हैं और कंसेंट लेके काम करते हैं इसलिए 79A का प्रोसेस फॉलो नहीं हो पा रहा है They have to come, video recording होता है, पूरे process का video recording होता है, ये एक चीज और देखिए, अगर cluster development होता है, तो रहेजा कल्पतरू जैसे builder यहाँ पे आने के लिए तैयार हैं, जिससे शेरे पंजाब कॉलोनी का नाम होगा और उस बिल्डिंग का नाम होगा अच्छी क्वालिटी मिलेगी उसके वैल्यूएशन बढ़ेंगे अब एक सबसे बड़ा फ्रॉड अब ये देखो ये आपके सोसाइटी है ये गंदगी जिस प्रकार से है नहीं लेकिन ये बीएमसी के अंदर आता है बीएमसी के अंदर आता है को हाइजीन नहीं बट सोसाइटी के अंडर ही आता है ना ये सोसाइटी है ना आपका सबसे बड़ा मुद्दा बताता हूं जो ही हैज ऑलरेडी पास द रेजोल्यूशन ऑफ व्हिच पीपल आर नॉट अवेयर मिस्टर राजू वर्गीस ने एक रेजोल्यूशन पास करा एजीएम में कि जो जैसे मैंने आपको बोला जो हमारी रोड्स हैं प्राइवेट रोड्स हैं शेर पंजाब सोसाइटी की है तो वो ये बोलता है कि ये रोड्स मैं बीएमसी को हैंडओवर कर दूंगा और बीएमसी को हैंडओवर कर से बीएमसी फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ एफएसआई देगी हमने जो एक रफ कैलकुलेशन करा है अगर ये रोड्स बीएमसी को दे देते हैं तो जो एफएसआई फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी उसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी जी। अब राजू वर्गीस ने एजीएम में ये प्रपोजल पास करा है कि इन रोड्स को बीएमसी को हैंडओवर करने के लिए जो खर्चा होगा वो मैं करूंगा जबकि सोसाइटी में 2 करोड़ से ऊपर का बैलेंस है हमने कुछ आर्किटेक्ट से पूछा वो बोलते हैं 30 लाख से 50 लाख रुपए का खर्चा होता है अगर ये रोड बीएमसी को दे दी गई लेकिन उसके एवज में ये 50% एफएसआई लेगा तो इसका मतलब ही विल बी बेनिफिशियरी ऑफ मिनिमम 50 करोड़ आफ्टर स्पेंडिंग 30 और 50 लाख अब इसमें एक और इसमें क्लोज हैगा लाइक हाउ इज प्लेइंग सेफ हमें ये लगता है कि हो सकता है बीएमसी सारी रोड्स नहीं लेके कुछ सिलेक्टिव बेसिस पे रोड लेगी क्योंकि बीएमसी देखेगी कि भाई ये कोई हाईवे से टच होती है कोई पब्लिक ग्राउंड से कोई बड़ी मेन रोड से टच होती है खाली एक नैरो अंदर की रोड लेके बीएमसी को क्या करना है तो उसने साथ में ये क्लॉज डाल दिया है कि अगर बीएमसी रोड्स नहीं लेती है
तो उसने जो भी खर्चा करा है वो सोसाइटी से वसूल करेगा, कितना खर्चा लेगा, 2 करोड़ 5 करोड़ कितना लेगा किसी को नहीं मालूम, विद इंटरेस्ट। और ईवीएम में पास हुआ बट फिगर आउट नहीं हुआ है जी, आप मेंबर्स को बताओ जी इतना खर्चा होना है, इतना हैंडओवर होने के लिए होना है, इतना हमें बेनिफिट है, उस बेनिफिट से मैं इतना मैं ले लूँगा। मैं गारंटी देता हूँ अगर ये बता दो कि मेरे को 40-50 करोड़ रुपये बेनिफिट होगा सोसाइटी में से, तो कोई मेंबर ये अप्रूव नहीं करेगा ईवीएम में, सर्टेनली नॉट, बिकॉज ही इसमें अप्रूवल किया गया है जी, और लेकिन उसमें फिगर्स नहीं होंगे, फिगर्स नहीं है सर, अभी बता दूंगा। देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी एट ऑल, 50% ऑफ एफएसआई, व्हाई एम आई नॉट सरप्राइज्ड, नो ट्रांसपेरेंसी एट ऑल, व्हाई एम आई नॉट सरप्राइज्ड, नो फिगर, नो वाओ, बट व्हाट आई एम सरप्राइज्ड अबाउट गुप्ता जी, यस, इज दैट आई एम कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन अगेन, यस, दैट देयर आर, व्हाई इज द होल सोसाइटी नॉट ऑन द रोड, व्हाई आर दे नॉट कैंपिंग आउटसाइड द डिप्टी रजिस्ट्रार्स ऑफिस, outside the urban development minister's office, outside the minister of cooperative society's office, and why are they not saying this man is looting us? देखिए साहब, आपको मालूम है हिंदुस्तान में, बॉम्बे में, इन जनरल लोग बाग जो है, they don't come on the streets, और वो किसी से पंगा नहीं लेते हैं, किसी से दुश्मनी नहीं लेते हैं, वो ये सोचते हैं मैं अपने घर के अंदर खुश हूँ ना, तो मुझे कोई जो है और कोई मूवमेंट में शामिल नहीं होने, मतलब सानू की, और लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस है, क्या करें, तो मैंने ये जो मूवमेंट चालू करा है, सूनर और लेटर हंड्रेड्स ऑफ पीपल विल ज्वाइन मी एंड वी विल ज्वाइन अवर टीम, बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर स्टेटिंग द ट्रूथ एंड वी आर फाइटिंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर। प्रदीप जी, प्रदीप जी, दिस इज अ ह्यूज थिंग, perhaps we have only touched the tip of the iceberg. So you're talking about more than 300 buildings, more than 69 acres of land, this is a society, and he's going to rule here for another 5 years because elections abhi 2 mahine pehle hua, yes, and you're talking about the whole abhi pura, there's a, you know, upward trend toward development, yes, aur pure Mumbai is up for development, yes, aur aise time par agar there's no transparency, yes, as they say these society members tend to lose, these society members are going to lose money, they are not going to, I mean, they're not benefited. The point is, कोई भी अगर प्रोजेक्ट आता सोसाइटी में, that is, as you said, एक पूरे एक क्लस्टर डेवलपमेंट वाली स्कीम है, क्लस्टर डेवलपमेंट में you, how do you see that everybody gains, yes, everybody gains, yes, 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 but in cluster development here right now it seems that only Raju Varghese is going to gain, yes, yes, and yes, he doesn't want to go in for cluster development. A process of cluster development is always beneficial for the society, yes, the yes, entire yes, society, yes, 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 because it will give a planned layouts, gardens hoga, recreation grounds hoga, jo aapke total har cheez isko implement kiya jayega, but right now he wants to do buildings, 22 buildings ka redevelopment khud karna hai, correct, बाहर के बड़े बड़े चीज को नहीं लेना है, yes, टॉप बिल्डर्स को इंक्लूड नहीं करना है, और लोगों को लॉस कराना है, और खुद का बेनिफिट करना है, दैट्स द ओनली थिंग दैट, और इसमें क्या हो गया है कि पिछले 2-3 साल से यहाँ पे बिल्डिंग्स के रेजिडेंट्स में जागरूकता आई है कि हमें रीडेवलपमेंट के लिए जाना है, वी वांट बिगर प्लेस, वी वांट ए न्यूअर बिल्डिंग, वी वांट कार पार्किंग एंड, सर ये बताइए, सर ये बताइए, मैं आप सब महानुभावों से पूछता हूँ कि पुलिस स्टेशन में जाके एक FIR कब रजिस्टर करा रहे हैं सर, ये तो लूट मची हुई है, 400BC का केस बनता है सर, दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस अकॉर्डिंग टू यू, जो आपने कहा है इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, कन्विंस्ड ऑफ इट, आई एम फेयरली कॉन्फिडेंट, सो आई हैव स्टार्टेड दिस, आई हैव गॉन टू कोऑपरेटिव कोर्ट टू प्रूव दैट इनवैलिड और बोगस वोट्स हैव टेकन प्लेस, नाउ कमिंग टू क्लैश ऑफ इंटरेस्ट अबाउट बिल्डर्स, आई थिंक आई विल बी एबल टू फाइल माई पिटिशन विद KEShwar डेप्यूटी रजिस्ट्रार और कोऑपरेटिव कोर्ट इन नेक्स्ट फोर्टनाइट, then the process starts, yeah, and then comes to this building number 220, which is a clear case of fraud. I am taking legal opinion from my advocate whether me, who is not a vested party in that building, whether I can file a suit or not, or whether I can approach police station for a FIR on, because we have all incontrovertible documentary evidence, fantastic, and one main thing is there, some document has been signed by Ramesh, who is manager of the society instead of secretary, how can he do that, so he, yes, also bound to be jacked, yes, everybody, so will be on the bus, the law, so in effect, catch up with them anyway. so in effect, Pradeep ji, this is part one, yes, of the program, bilkul sir, that we have done over here, yes, yes, I am sure this is going to be a whole series, exactly, aur ye main apne darshakon ko bata dun, this is RKB from Sher-e-Punjab. We hope Mr. Varghese will answer all our questions when we meet him. We don't want to create a conflict here, but we do need answers. Yes. And we need answers from everybody else as well. Yes. Ki agar Gupta ji aisa bol rahe hain aur baaki sab log yahan pe jo khade hain, yes, apne Jagtap sahab ho gaye, bhai sahab ho gaye,
सैनी साहब हो गए, बागी साहब लोग भी हैं यहाँ पर, अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो बाकी सबके पे साथ भी यही बीती होगी जो इनके साथ बीती है। तो लिहाजा आप सब लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? हम तो आएंगे यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ याद रख लीजिए, एक चीज़ याद रख लीजिए, सोसाइटी आपकी है, बिल्डिंग आपकी है, ज़मीन आपकी है। अब आपको तय करना है कि आपको अपने हक के लिए लड़ना है या नहीं लड़ना, ये आपको तय करना है। That's it. That's all we've got for you from the Sher-e Punjab Society Andheri East in this part one of the program. Even if we have to do 100 programs over here, we shall be back over here. But we will see that justice is done. From both Advocate Pradeep Nambiarji and myself, aap sab logon ko Vande Mataram, Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Bhavani, Jai Shivaji. And thank you so much. Keep watching Nation Now. To Mr. Nambiar and your entire team. For taking time and listening to we'll be back. Thank you so much. Sir, we'll be back. Thank you. We'll be back. Thank you, sir.